आप इस वीडियो में जानेंगे आंखों के लिए जरूरी विटामिन कौन से हैं और इन्हें किन चीजों से प्राप्त किया जा सकता है। आंखें हमारे शरीर की पांच इंद्रियों में से एक महत्वपूर्ण अंग मानी जाती हैं। यदि हमारी आंखों में कोई समस्या हो जाती है तो जिंदगी को गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो आंखों से संबंधित समस्याएं बढ़ने लगती है, जैसे की आंखों का धुंधलापन, रतौंधी, मोतियाबिंद, आई सिंड्रोम और आंखों के कारण सिर दर्द इत्यादि। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि विटामिन्स की कमी, उम्र बढ़ने के साथ आंखों की कोशिकाएं कमजोर होना, ज्यादा रोशनी में काम करना व कंप्यूटर व मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण आंखों को नुकसान पहुंचता है। यदि रोजमर्रा की लाइफ में आंखों से संबंधित जरूरी विटामिन्स और इनसे संबंधित चीजों का सेवन करते रहें तो इन समस्याओं से बचा जा सकता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ऐसे कौन से विटामिन्स हैं जिनका सेवन करने से आंखों को मजबूती प्रदान की जा सकती है और इन विटामिन्स को कौन से खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। यह विटामिन्स इस प्रकार से हैं। विटामिन ए कैसे होती है आंखों के लिए जरूरी। विटामिन ए आंखों के बाहरी आवरण जिसे कॉर्निया कहते हैं उसे मेंटेन रखकर हमारी विजन को क्लियर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर व्यक्ति के शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए और समय पर इसका इलाज ना हो तो जीरोफ्थैल्मिया नाम की गंभीर बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। जीरोफ्थैल्मिया तेजी से बढ़ने वाली आंखों की एक बीमारी है जिसकी शुरुआत रतौंधी से होती है। अगर विटामिन ए की कमी जारी रहे तो आंखों में मौजूद आंसू की थैली और आंखें सूखने का खतरा भी बढ़ जाता है। कई रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि विटामिन ए से भरपूर डाइट का सेवन करने से मोतियाबिंद और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनेशन जैसी बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। लिहाजा हमें अपनी डाइट में विटामिन ए से भरपूर चीजों को शामिल करना चाहिए और अगर शरीर में विटामिन ए की ज्यादा कमी हो जाए तो इसके लिए विटामिन ए के सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। विटामिन ए के सोर्स इस प्रकार से हैं, गाजर, लाल शिमला मिर्च, कद्दू, शकरकंद, पालक, केला, कॉड लिवर ऑयल, अंडे, हरे पत्तेदार सब्जियां, नौरंगी और पीली सब्जियां, फोर्टिफाइड अनाज इत्यादि में विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है। आंखों के लिए विटामिन ई के फायदे। हमारे शरीर में जब फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट के बीच असंतुलन हो जाता है तो इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की समस्या होने लगती है और इस कारण भी आंखों से जुड़ी कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को सुरक्षित रखने में मदद करता है, जिसमें आंखों की कोशिकाएं भी शामिल हैं। कई स्टडीज में पाया गया है कि विटामिन ई से भरपूर डाइट का सेवन करने से उम्र बढ़ने के कारण होने वाले मोतियाबिंद को रोकने में मदद मिलती है। लिहाजा पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई से भरपूर चीजों का सेवन करना आंखों की सेहत के लिए बेहतर माना जाता है। सूखे मेवे और बीज, कुकिंग ऑयल, सैल्मन, एवोकाडो और हरी पत्तेदार सब्जियों को विटामिन ई का अच्छा सोर्स माना जाता है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि वीडियो में आगे आंखों के लिए जरूरी और विटामिन्स के बारे में बताया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी और नई नई जानकारियां मिलती रहे। चलिए अब बात करते हैं विस्तार से। विटामिन सी है आंखों के लिए फायदेमंद। विटामिन ए की तरह विटामिन सी भी एक बेहद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ऑक्सीडेटिव डैमेज के खिलाफ आंखों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से कॉर्टिकल मोतियाबिंद और न्यूक्लियर मोतियाबिंद ये दो बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन सी कोलेजन बनाने में भी मदद करता है। यह एक प्रोटीन है जो हमारी आंखों को आकार देने में मदद करता है, खासकर कॉर्निया और सेक्लेरा को। कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि विटामिन सी मोतियाबिंद होने के खतरे को कम करने में मदद करता है। एक स्टडी में पाया गया है कि अगर रोजाना 480 मिलीग्राम विटामिन सी का सेवन किया जाए तो इससे मोतियाबिंद होने के खतरे को 75% तक कम किया जा सकता है। विटामिन सी के स्रोत इस प्रकार से हैं, संतरा, मौसमी, आंवला, कीवी, स्ट्रॉबेरी, नींबू जैसे खट्टे फलों के अलावा लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च, ब्रोकली, हरा साग,
जैसी सब्जियों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसलिए इन्हें हमें अपने रोजाना की डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। आंखों के लिए जरूरी है विटामिन बी। कई स्टडीज में शोधकर्ताओं ने पाया है कि विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 भी आंखों की सेहत पर पॉजिटिव असर डालने का काम करता है। इन अलग अलग विटामिन बी का कॉम्बिनेशन होमोसिस्टेन की लेवल को कम करने में मदद करता है। यह हमारे शरीर में मौजूद एक प्रोटीन है जिसका संबंध इन्फ्लामेशन और एज रिलेटेड मैकुलर डिजिनेशन के बढ़े हुए खतरे से होता है। महिलाओं में हुई एक क्लिनिकल स्टडी में यह बात सामने आई है कि जिन महिलाओं ने विटामिन B6 और विटामिन B9 के साथ विटामिन B12 के 1000 मिलीग्राम का सेवन किया, उनमें एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनेशन बीमारी का खतरा 34% कम हो गया था। विटामिन बी से संबंधित खाद्य पदार्थ इस प्रकार से हैं: दूध, पनीर, सोया प्रोडक्ट, अंडा, ओटमील, चिकन व रेड मीट, सैल्मन जैसी मछलियाँ और पालक जैसी हरे पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए ताकि शरीर में विटामिन बी की कमी ना हो सके। और हाँ दोस्तों, यदि आप शरीर में प्रोटीन व आयरन की कमी को पूरा करने के उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर आई बॉल के बटन तथा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसका लाभ उठाएंगे, साथ ही इसे अपने जरूरतमंद दोस्तों में शेयर करेंगे। यदि आप इससे संबंधित और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा ताकि इससे संबंधित लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहें। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।